बेटा हेल्पर 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 हेल्पर, ये चप्पल बेटा मेरा चप्पल के मत जाओ सर, और बीमार पड़ जाओगे आप। एक मिनट रुक जा हेमंत, तू चप चप्पल दे बेटा, चप्पल दे अपनी चप्पल दे, पहनो पहनो सर, पहनो 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 चप्पल पहनो। यहाँ तो मैडम ये भाई साहब चले जाते और चार गुना बीमार पड़ जाते। ये देखो आप, आज आपका भाई ना घी बांटेगा, ना चावल, ना दाल, ना आटा। हमेशा बांटता आ रहा हूँ लेकिन आज कुछ और बांटूंगा मैं। चलो भैया ये साबुन पास अपने पास रखना, ठीक है? लो आंटी जी, लो भैया, लो भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना सनी आर्य, बोले तो तहलका भाई। दोस्तों आज आपको मैं एक ऐसा टॉयलेट दिखाने जा रहा हूं, हॉस्पिटल का एक ऐसा टॉयलेट जो कि 7 स्टार होटल से कम नहीं है। इतना महंगा, इतना हाई लेवल का टॉयलेट आपको मैं दिखाने जा रहा हूं। एक हॉस्पिटल का टॉयलेट है ये, आइए देखिए आप भी और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये टॉयलेट कैसा लगा। अब दिखाने जा रहा हूं आपका भाई अंदर का टॉयलेट, इस हॉस्पिटल का टॉयलेट जो कि चर्चाओं में बन जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आपका भाई है जो उसको कवर करने आया है। कम से कम ये जो वॉशरूम आप जहाँ जा रहे हो, कम से कम ये वॉशरूम जहाँ तक मेरा दिल कह रहा है, कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए लगा रखे वॉशरूम के अंदर। अच्छा अंदर नहीं गए, देख कर आओ कितना जबरदस्त वॉशरूम है, देख कर आओ। दोस्तों देख सकते हैं आप, ये रजौरी गार्डन का ESI हॉस्पिटल है। आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ यहाँ के टॉयलेट का, आप देख सकते हैं साफ सुथरा ये टॉयलेट है, कितना चमकदार शीशे की तरह चमक रहा है। और यहाँ के हाल देखिए, मरीज ठीक होगा या और चार गुना बीमार होगा, ये देखिए आप, ये ESI हॉस्पिटल रजौरी गार्डन का हाल है टॉयलेट का। भाई साहब ये देख रहे हैं आप, कितना चमकदार। जो किसी मरीज का पता करने आया होगा वो भी साथ में लेट जाएगा यहाँ पर, इतनी बुरे हाल है यहाँ के। क्या कहना चाहोगे सर इस बाथरूम के बारे में? ठीक है, जैसे भी आप क्या कर सकते हैं, ये सफाई नहीं है यहाँ पे, देख लो पूरा भरा पड़ा चारों तरफ से, बीमार ना होने को। आप बिल्कुल फिट हो ना? हाँ। बिल्कुल ठीक हो? अब यहाँ पे बीमारी लग जाएगी, यही एडमिट हो जाओगे। अंकल जी कितना बुरा हाल है, देखो टॉयलेट का। जी सर देख करके तो पेशाब लगा हुआ रहता है, तो पेशाब करने दिल नहीं करता है। अब देखो जिस तरीके से मैं आपको देख रहा हूँ, आप मेरे सामने अंदर गए हैं, आपसे जाया नहीं जा रहा था, आप चारों तरफ देख रहे थे, कितनी गंदी स्मेल है यहाँ पर। बिल्कुल मैं देख रहा था, यही कह रहा था मैं करूँ की। सरकारी हॉस्पिटल है सर, क्या करा जाए? हाँ भाई साहब सरकारी हॉस्पिटल है। ऐसी जगह पर ऐसी हालत पर बेकार है, बहुत ज्यादा बेकार है भाई साहब। 28/12/2021 हॉस्पिटलों में ये सब काम होने चाहिए या पूरा ध्यान देना चाहिए? पूरा ध्यान होना चाहिए, सफाई होना चाहिए। कमाल है यार, सफाई होना चाहिए। कितना बुरा हाल है यार, ये देखो सारा टॉयलेट का सारे पैर बाहर बंदा लेके जा रहा है, गंदगी लेके जा रहा है, कितने कीटाणु लेके जा रहा है अंदर से। हट जाओ बेटा, जगह देता हूँ भैया को। अभी वॉशरूम जा रहे हैं भाई साहब, बेटा हेल्पर 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 हेल्पर। ये चप्पल बेटा मेरा चप्पल के मत जाओ सर, और बीमार पड़ जाओगे आप। एक मिनट रुक जा हेमंत, तू चप जा चप्पल दे बेटा, चप्पल दे अपनी चप्पल दे, पहनो पहनो सर, पहनो 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 चप्पल पहनो। यहाँ तो मैडम ये भाई साहब चले जाते और चार गुना बीमार पड़ जाते। ये देखो आप कितनी गंदगी है, देखो आराम से भैया। ये तो सर यहाँ पे यहाँ नहीं जा सकते आप, पूरा खराब हो रखा है मैटर। हाँ यहाँ खड़े हो जाइए, हाथ मत लगाइए। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से मरीज आ रहे हैं जिनसे चला नहीं जा रहा, यहाँ पे कोई स्टाफ नहीं है कि इनको लेकर आए, इनको पूरी मदद करे। मैंने अपने छोटे भाई को बोला कि बेटा इनकी हेल्प कर, और आपने देख लिया किस कदर भाई साहब का पूरा सर फटा हुआ है, और अभी ये नंगे पैर जा रहे थे, और अगर ये चमका होता पूरा क्लीन होता तो इनको दिक्कत नहीं थी जाने में, नहीं थी बेटा, ना सोचना पड़ता ना टेंशन लेनी पड़ती। लेकिन अब इतना गंदे यहाँ के हालात हैं कि अगर मैं ना होता और भाई साहब चले जाते, अभी चार गुना एक्स्ट्रा बीमार पड़ जाते भाई साहब, और परिवार में और सदस्य बीमार पड़ते हैं इनकी वजह से। मक्खियाँ भंडार रही है, देख मच्छर भाई, इस वीडियो को तो मैं दबा के वायरल करूँगा, और जहाँ भी मेरे को लगेगा ना, ये देखो ये लेडीज टॉयलेट है, ये देखिए आप। मेरा नाम तहलका भाई है, तहलका मचा के खुलासे करूंगा सारे, मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं। जो गंदगी होगी, जहाँ गंदगी होगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, खासतौर पर हॉस्पिटल की। यहाँ साबुन नहीं है भाई साहब? है जी,
ये क्या है अवतार? ये क्या है बेटा? ये खाली कैन पड़ी है, साबुन नहीं है? एक मिनट, साबुन का इंतजाम कर बेटा भैया के लिए, जल्दी भागे जा, सैनिटाइजर लेकर आ, जल्दी भागे जा, सैनिटाइजर लेकर आ जाओ भैया, बाहर तो आ जाओ, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। क्या हो गया सर आपको? अच्छा अच्छा, अभी आप देखो जिस हिसाब से ये बाथरूम के हालात हैं, अभी आपका और मन खराब हुआ? क्या बोले भाई साहब, आ जाओ सर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, ले बेटा अमन चप्पल ले ले भैया से। आपकी वीडियो है जी? देखता हूँ आपकी वीडियो, वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी 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 जी, तेल का सर, तेल का प्रैंक मेरा चैनल का नाम है। जी जी, मेरे लिए कोई मदद है तो बताइए। ये क्या काम करते हैं भैया? लो भैया ये मेरी तरफ से मदद है, एक मिनट रुक जाइए आप, एक मिनट रुक जाइए। पकड़ बेटा, ये भैया 1000 रुपये हैं, ये 1000 रुपये हैं, आप भैया का ध्यान रखिए। बाकी भैया एक ही बात बोलूँगा, ऐसे हालात रहे ना 4 गुना बीमार पड़ जाएगा मरीज, ठीक नहीं होगा, वहीं पड़ा रहेगा 2 महीने 3 महीने 4 महीने। चलो जय माता दी, अच्छे से करो। बाकी मैडम को भी दो, लो मैडम आप ही ले लो, बच्चा उठाया ना आपने, भैया को दे दे बेटा सैनिटाइजर, अपने पास रख लेंगे। ठीक है भैया, ध्यान रखो, जल्दी ठीक हो जाओगे, जय माता दी। आज आपका भाई ना घी बांटेगा, ना चावल, ना दाल, ना आटा, हमेशा बांटता आ रहा हूँ लेकिन आज कुछ और बांटूंगा, आज बांटूंगा मैं पूरे हॉस्पिटल में साबुन, मजबूर कर दिया मेरे को, साबुन बांटने पड़ेंगे, क्या करें। टॉयलेट से आ रहे हो ना आप? टॉयलेट करके आ रहे हो? टॉयलेट करके आ रहे हो ना? एडमिट है कोई यहाँ पर आपका? कौन एडमिट? अच्छा आप ही एडमिट है, ये फिर इसको रखो ना, बार बार आना पड़ेगा आपको, ये इसको अपने पास रखना, ठीक है। ले बेटा आप कोई एडमिट है ना यहाँ पर आपका? ठीक, आप साथ में आंटी जी, इस आंटी जी को तो आप, आंटी जी को एडमिट है? ये लो आंटी जी, चलो भैया ये साबुन पास रखने, पास रखना, ठीक है। लो आंटी जी, लो भैया, लो भैया, लो दीदी साबुन है आपके पास? साबुन नहीं है ना? ये लो, हाथ भी नहीं धोए अपने अंदर जी, साबुन नहीं है ना अंदर? नहीं, कमाल कर दिया इन्होंने यार। तो दोस्तों बताना जरूर आपके भाई का ये कार्य कैसा लगा आपको, ये बड़ी कार्रवाई कैसी लगी? आपका तहलका भाई गलत कुछ भी बर्दाश्त नहीं करेगा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट हो। दिल्ली में अगर आपको लग रहा है ऐसे और भी टॉयलेट हैं हॉस्पिटल के 7 स्टार 10 स्टार, तो मेरे को आप टैग करना या मेरे को मैसेज करना, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल ये आ रहा तहलका प्रैंक पे, आपका तहलका भाई वहाँ पर आकर बढ़िया बैंड बजाएगा, इतनी वायरल कर देना जिस हिसाब से एक मूवी वायरल हो रही है पुष्पा, इससे डबल इस वीडियो को वायरल करना ताकि इन तक पहुँच जाए। ये है हॉस्पिटल का नाम, ज़बरदस्त खर्चा कर रखा है इसके बोर्ड के ऊपर भी ES, बस आगे क्या है कुछ नहीं पता, और नीचे अस्प, क्या बात है, ज़बरदस्त।